Hey guys, again welcome to my channel Technical Genie. Today we have start the second part of our metallurgy chapter. पहले हमने एक metallurgy chapter start किया था, उसमें हमने देखा था कि aluminium की extraction हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे जाके देखो, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। टुडे इज अवर टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल विद अ मीडियम रिएक्टिविटी एंड अ लो रिएक्टिविटी, उसकी बात करने वाले हैं करोजन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन के लिए, फिर से वीडियो तक लास्ट तक बने रहेगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो कुछ जरूरतमंद स्टूडेंट के पास जाने चाहिए। तो प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम देखने वाले कि हाउ वी आर सेपरेट द मेटल विच अ मीडियम रिएक्टिविटी। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेटलर्जी क्या होता है। तो सिंपली भी कैसे रहा है, metallurgy is a process in which the purification of a metal by the various techniques. इसमें हम अलग अलग टेक्निक यूज करके मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, उसे हम metallurgy कहते हैं। ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा। तो मीडियम रिएक्टिविटी में कौन से मेटल आते हैं, आपने देखा होगा इन अ मीडियम रिएक्टिविटी इट कंटेन अ आयरन, जिंक, लीड और कॉपर। आयरन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, दिस ऑल आर द मेटल विच हैज अ मॉडरेट रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी। तो इसे हमें सेपरेट करना है बाय द वेरियस टेक्निक। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ प्रोसेस है, उससे भी पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये सभी मेटल किसके ओर्स में फॉर्म होते, कि इसमें कौन सी ओर्स होती है। तो हमने पहले पढ़ा कि एल्यूमिनियम में ओर होती है ऑक्साइड की, तो इसमें ओर होती है इट कंटेन अ कार्बोनेट एंड अ सल्फाइड ओर्स। इसमें कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स ये मेन ओर से इस मीडियम रिएक्टिविटी में लगते हैं। तो इसे प्यूरिफाई करने के लिए हम इसमें करते हैं दो टेक्निक जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे टॉपिक की तरफ। ओके, तो पहले रोस्टिंग देखेंगे। अगर कोई भी मीडियम रिएक्टिविटी सब्सटेंस हो, मेटल हो, उसे सेपरेट करने के लिए हम दो ही प्रोसेस यूज करते हैं, एक होती है रोस्टिंग, सेकंड होती है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल और अ हीटिंग अ मेटल विद अ एक्सेस एयर, जिसमें मेटल को एक्सेस एयर से क्या किया जाता है, पास किया जाता है, एंड आफ्टर दैट प्यूरिफाई द मेटल्स, उसे कहते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच अ हीटिंग अ मेटल विद पासिंग अ हाई प्रेशराइज्ड एयर, जिसमें हाई प्रेशराइज्ड एयर पास करने के बाद मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। सेकंड थिंग इसमें आती है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय पासिंग द लिमिटेड एयर, जिसमें हम लिमिटेड एयर पास करने के बाद मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया है। रोस्टिंग में हमने पहले देखेंगे कि जिंक विच फाउंड विद अ सल्फाइड ओर्स, ऐसे जिंक की ओर्स जो सल्फाइड के रूप में फाउंड होती है, तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहां पे इक्वेशन है, टू ज़ेनियस मींस अ जिंक सल्फेट इज रिएक्ट विद अ ऑक्सीजन और वी पास द ऑक्सीजन विद अ लार्जर क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी, हम इसमें ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में डालेंगे, एंड आफ्टर दैट वी ऑब्टेन अ जिंक ऑक्साइड, हमें क्या ऑब्टेन होगा, जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन होगा। यहां पर इतना ध्यान रखो सिर्फ। उसके बाद ऐसे जिंक की ओर्स विच फाउंड इन अ कार्बोनेट ओर्स, ऐसे जिंक जो कार्बोनेट ओर्स में फाउंड होती है, तो उसे क्या करेंगे, इट शुड बी ट्रीटेड विद अ एयर विच हैज अ लिमिटेड क्वांटिटी, इसे भी पास करेंगे मगर एयर किसी पास करेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में पास करेंगे, एंड आफ्टर अ पासिंग अ लिमिटेड एयर वी ऑब्टेन अ जिंक ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, यहां पे भी जिंक ऑक्साइड, यहां पे भी जिंक ऑक्साइड। तो इसे ट्रीटेड क्या करेंगे, इट शुड बी ट्रीटेड विद अ कार्बन,
And after the treatment of procarbon, the we obtain a pure zinc. तो हमें pure zinc मिलेगा. इस प्रकार से हम medium reactivity वाले जो कोई metal से उसे हम अच्छे से purify कर सकते हैं. We can purify the medium reactivity metals with the two process. First is the calcination and second is the roasting. तो इस प्रकार से हम medium reactivity वाले कोई भी हो उसे हम pure कर सकते हैं. अब आता है लो रिएक्टिविटी सब्सटेंस. लो रिएक्टिविटी में मर्क्यूरी आते हैं. ओके, तो ये इसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज इट शुड बी फाउंड इन अ फ्री स्टेट. ये फ्री स्टेट में फाउंड होता है तो इसको ज्यादा टेक्निक यूज नहीं करने की, सिर्फ उसे ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ता है. एंड आफ्टर द यूजिंग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस एयर आर इजिली सेपरेटेड. ये इजिली सेपरेट होते हैं बिकॉज ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होने की वजह से इट कैन नॉट बी फॉर्म अ ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स. ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते और ड्यू टू दिस लो रिएक्टिविटी मेटल आर इजिली सेपरेटेड और इजिली प्यूरिफाइड. ये इजिली प्यूरिफाइड हो सकते हैं बिकॉज इसमें कोई भी प्रकार का बॉन्ड्स नहीं होता. तो चलो देखते हैं लो रिएक्टिविटी के सब्सटेंस या मेटल हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो यहां पे इक्वेशन है 2CuS मींस अ कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विद अ ऑक्सीजन मींस इट हैज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट वी ऑब्टेन अ कॉपर ऑक्साइड. तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मिलेगा. इसका हमने ऑक्सीडेशन कर लिया. फिर जो कॉपर ऑक्साइड हमको ऑब्टेन किया था उसे ट्रीटेड करेंगे सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट से. जो हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे कॉपर सल्फेट का, पहला यूज किया ऑक्सीडेशन के लिए और दूसरा हम एक और मॉलिक्यूल यूज करने वाले हैं कॉपर सल्फेट का, उसकी रिएक्शन करेंगे कॉपर ऑक्साइड से, देन वी ऑब्टेन अ प्योर कॉपर. तो हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा. ये बहुत ही इजी है, ये इजी से आपको लर्न. ओके, तो यह होगा हमारा सेपरेशन ऑफ मेटल विद अ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड अ लो रिएक्टिविटी. अब चलते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में जिसका नाम है करोजन. तो करोजन क्या होता है पहले वो जान लो, उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रिवेंशन क्या होता है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा गया है, बहुत बार पूछा गया है. तो इसे थोड़ा सा अच्छा से समझ में, अच्छे से समझ में, क्योंकि ये पेपर में आता है. तो करोजन क्या होता है वो पहले बता रहा हूं. करोजन मींस अ मेटल फाउंड अ ब्राउनिश और अ रेडिश लेयर ओवर इट. अगर कोई भी मेटल हो तो उस पे रेड कलर की या ब्राउन कलर की लेयर आती है उसे हम कहते हैं करोजन. यस, बराबर. मगर ये क्यों होता है? ड्यू टू अटैक ऑफ एसिड्स और अटैक ऑफ एयर और अटैक ऑफ मॉइस्चर टू द मेटल एंड मेटल गेट का कवरेज. इसमें एसिड का अटैक हो गया, एयर का अटैक हो गया या मॉइस्चर का अटैक होने के बाद मेटल अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है उसे हम करोजन कहते हैं. तो करोजन की डेफिनेशन क्या होगी? करोजन इट इज अ प्रोसेस इन विच अटैक ऑफ एयर, अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड अटैक ऑफ एसिड टू द मेटल, मेटल गेट अ करोडेट and found a brownish or a reddish layer over it and it lose their property is called as the corrosion. उसे हम corrosion कहते हैं. तो corrosion ये एक dangerous event है जिससे बहुत सारी death होती है. आप बोलोगे सर death कैसे होगी? समझो कोई भी bridge है जो metal के iron के filling से बना होता है, pillar से बना होता है, तो वो अगर corroded हो गया तो वो क्या होगा? ढल जाएगा, गिर जाएगा. तो इससे एक्सीडेंट्स केस हो सकते हैं. तो इस करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिवेंशन है. तो प्रिवेंशन क्या क्या है वो पहले हम देखेंगे. तो प्रिवेंशन नंबर तो फर्स्ट है जो कॉमनली हम सभी यूज करते हैं. क्या? पेंट टू द मेटल्स. कोई भी अगर मेटल हो तो उसे हम अच्छे से पेंट करते हैं बिकॉज पेंटिंग इज अ सिंपल and most important aspect for prevention of corrosion. अगर हम painting करते हैं तो हम कौन से भी metal को easily prevented कर सकते हैं. तो पहला prevention ये होगा paint to the metal, metal को paint करो.
नंबर दो इसका आएगा ऑयलिंग। अगर कोई भी पेट अपने पास नहीं है तो उसे ऑयलिंग करो। ऑयलिंग करने से भी क्या होता है, इट फॉर्म द ऑक्साइड, एक एयर फॉर्म होती है जो किसी भी रिएक्शन से रिएक्ट नहीं होता, वो प्रोटेक्ट करता है। सो ऑयल इज अ प्रोटेक्टिंग योर लेयर ऑफ मेटल्स। ये भी मेटल से एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो मेटल को प्रिवेंट करती है। तो ऑयलिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है हमारे कोलेजन में। तीसरा आता है टीनी। तो टीनी यानी क्या, इसके नाम में ही आते हैं, टीनी मींस कोटिंग ऑफ अ टीन टू द कोरोडेड मेटल्स। इसमें अगर कोई भी एक कोरोडेड मेटल्स है तो उस कोरोडेड मेटल्स को क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन रहता है, उस सॉल्यूशन में दो रॉड्स रहते हैं, दो प्लेट्स रहते हैं। एक प्लेट होगी हमारे टीन की, दूसरी जो प्लेट होगी वो होगी कोरोडेड मेटल्स। और इनको क्या किया जाता है, विद हेल्प ऑफ वायर, विद हेल्प ऑफ की कनेक्टेड सर्किट, सर्किट्स कनेक्टेड किया जाता है। एंड आफ्टर दैट कोटिंग अ टीन टू द अनदर मेटल्स इज कॉल्ड एज द टीनिंग, उसे हम टीनिंग कहते हैं। ओके, तो टीनिंग इज आल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन फॉर कोरोशन। ये भी कोरोशन का बहुत ही सिंपल और अच्छा उपाय होता है। ओके, तो एलॉय क्या है, एलॉय हम 9th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ अ मेटल्स, जिसमें मेटल्स या नॉन मेटल्स कोई भी हो, ओके, उसका मिक्सचर किया जाता है। एंड आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेटल्स इज कॉल्ड एज एलॉय। तो एलॉय क्या है, एलॉय एक ऐसा एक मिश्रण है, ऐसा एक मिक्सचर है जिसमें मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है। And after the mixing it, a formation of new metal, which is क्या और which is alloy, इसे alloy कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में स्टेनलेस स्टील होगा, ये एक alloy जिसमें क्रोमियम निकेल कॉपर इसको एड किया जाता है, तो ये क्या है, alloy। उसके बाद एल्युमिको, एल्युमिको में हम एड करते हैं एल्यूमिनियम, निकेल और कॉबर, ब्रॉन्ज होगा, ये सभी क्या है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एलॉय, ये सभी एलॉय के एग्जांपल है। तो एलॉय एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए मेटल के, तो एलॉय एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी प्रिवेंशन में आता है। तो हमारा फोर्थ प्रिवेंशन था एलॉय। उसके बाद फिफ्थ आता है, यूज द एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। किसी भी साइंस में अगर एंटी शब्द आता है या एंटी सब्सटेंस आता है या सेंटेंस आता है, तो एंटी का अर्थ होता है प्रिवेंटिव। एंटी यानी प्रिवेंशन, रस्ट यानी कोरोजन, ऐसा सॉल्यूशन जो रस्ट को या कोरोजन को प्रिवेंट करता है उसे हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो यूज द एंटी रस्ट सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर प्रिवेंट द कोरोजन। तो फिफ्थ मैंने बताया, यूज अ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज करके हम कोरोजन को प्रिवेंटिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सिक्स आता है गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन में क्या किया जाता है, गैल्वनाइजेशन इज नथिंग बट अ कोटिंग ऑफ अ कॉपर, जिसमें कॉपर की कोटिंग दूसरे मेटल पे करते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस है। इसमें टीन के अलावा यहाँ पे कॉपर लिया जाता है एंड इट कैन बी अ कोटेड टू द अदर मेटल्स, तो उसे हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन इज आल्सो बी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन, कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। उसके बाद लास्ट देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी क्या, इलेक्ट्रो मींस अ इलेक्ट्रिक करंट, प्लेटिंग मींस अ कोटिंग। सो विद द हेल्प ऑफ पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉल्यूशन, कोटिंग अ वन मेटल टू अनदर मेटल, एक मेटल से दूसरे मेटल पे कोटिंग करना By passing the electric current is called as the electroplating. उसे हम electroplating कहते हैं।
और इलेक्ट्रोब्लीडिंग ये भी एक हमारे करोजन का प्रिवेंशन हो सकता है। क्या क्या पढ़ा हमने? पहले पढ़ा करोजन। करोजन ऐसे प्रोसेस है जिसमें मेटल अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है और उससे रेडिश और ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है, उसे हम करोजन कहते हैं। करोजन के प्रिवेंशन पर एक करोजन के प्रिवेंशन पेंटिंग पेंट करना है मेटल पे। नंबर दो ऑयलिंग करना है पेंट पे या मेटल पे। उसके बाद आता है टीनिंग, कोटिंग ऑफ टीन, टीन की कोटिंग करने है। उसके बाद पड़ा एलॉय। एलॉय मींस अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। उसके बाद पड़ा एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ऐसा एक सॉल्यूशन जो रस्ट को या करोजन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद पड़ा गैल्वनाइजेशन जिसमें कॉपर की हम कोटिंग करते हैं। और लास्ट पड़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ कोटिंग अ वन मेटल टू द अनदर मेटल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सभी प्रोसेस है हमारे करोजन प्रिवेंट करने के लिए। यहां तक ही आज का लेक्चर है। आपको कुछ लिखना होगा तो आप अच्छे से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। फिर से मिलेंगे एक न्यू टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।